दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस प्रेस वार्ता एवं बाइट को आयोजित किया गया है। सबसे पहले सेना का अपमान, सुरक्षा बलों का अपमान, आतंकी मेरे भाईजान, क्या यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान? क्या यही इंडिया अलायंस की बन चुकी है पहचान? मित्रों, हमें पता है कि कांग्रेस पार्टी का एक लंबा और पुराना चरित्र और डीएनए रहा है। दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री जहां पर उन्होंने दल हित को देश हित के ऊपर और वोट बैंक नीति और अपने वोट बैंक की सुरक्षा को राष्ट्र नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर हमेशा रखा है। और लिहाजा राष्ट्र नीति के मुद्दों पर ओछी सियासत और राजनीति करना ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। और चाहे इसमें आतंकियों की, उग्रवादियों की पैरवी भी क्यों ना करनी पड़े, तो कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटती। एक समय ऐसा था कि यूपीए की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने नक्सलियों को, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को देश की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती, बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा था। उस समय पर आपको ये बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का याद भी होगा। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सर्वोच्च छत्तीसगढ़ के नेता थे उनको एक आतंकी हमले में नक्सलियों ने मारकर वहां की पूरी कांग्रेस की इकाई को समाप्त कर दिया था। परंतु आज जब वही कांग्रेस पार्टी जब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता प्राप्त होती है और नक्सलिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी चोट हमारी सुरक्षा बल करती है, तब सुरक्षा बलों का स्वागत और सत्कार करने के बदले, उनको सराहने के बदले कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को शहीद कहती है और सेना और सुरक्षा बलों के कार्रवाई पर प्रश्नचिन्ह खड़े करके उनके मनोबल पर कुटाराघात और चोट करती है। टुडे व्हेन वी हैव सीन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दैट हैज टेकन प्लेस इन छत्तीसगढ़, वेयर 29 नक्सलाइट्स, टेररिस्ट वर एलिमिनेटेड बाय द सिक्योरिटी पर्सनल, एंड दिस वाज इंडीड अ बिग अचीवमेंट फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस। Instead of coming out and welcoming the security forces, their action, today the Congress party has done what is expected of them but unthinkable, that they come out and they claim that the Atankwadis, the Ugrawadis, the Naxalites are essentially martyrs and they raise question marks on the bravery of our security forces. Main aage badhu, usse pehle main aapko wo बयान सुनाना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत मंच से कांग्रेस पार्टी की अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका वैसे तो वो सीरियल ऑफेंडर है, कंगना रनौत से लेकर मंडी के लोगों के अपमान तक, देवभूमि के अपमान तक उनका एक लंबा चरित्र रहा है, परंतु सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया। और शब्दशः ये देखिए कि आतंकी मेरे भाईजान ये कैसे बनी कांग्रेस की पहचान। सुनिए। आपको पता है कि कल के ऑपरेशन में, जैसे गृह मंत्री जी ने भी बताया, लगभग 29 नक्सली आतंकवादी मारे गए। उसमें हमारे तीन या चार जो सुरक्षा बल के हमारे वीर है उनको भी चोटें पहुंची। तो मरने वालों की तादाद में केवल नक्सली है और कोई सुरक्षा बल से कोई नहीं है। और ये वो नक्सली है जिन पर आप ही के समाचार चैनलों से पता चला है 25 लाख का इनाम है, किसी पे और कुछ इनाम है, किस प्रकार से उनके पास AK-47, इंसास और बड़ी बड़ी मशीन गन्स और राइफल्स थी, ये सारी चीज़ें भी बरामद हुई है। परंतु कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कहती है कि इस पूरे ऑपरेशन की, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और वो जो सब लोग शहीद हुए हैं, मतलब आतंकियों के लिए वो कह रही है, नक्सलियों के लिए कह रही है कि जो नक्सली शहीद हुए हैं उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।
मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, नक्सली में आपको शहीद नजर आता है और जो सेना के हमारे शूरवीर है उनमें सड़क का गुंडा याद आता है? आपको याद होगा कि इसी कांग्रेस पार्टी ने इसी अधिकृत मंच से उनके अधिकृत नेताओं के द्वारा बिपिन रावत जी, जो देश के पहले CDS थे, उत्तराखंड और गढ़वाल की जान और शान माने जाते हैं, ऐसे बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा कहने का महापाप इस कांग्रेस पार्टी ने किया। इस कांग्रेस पार्टी ने सेना के सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा, परंतु नक्सलियों को यह शहीद मानती है। और यह सुप्रिया श्रीनेत का बयान कल आया है, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ना इस बयान का खंडन किया है ना इससे अपने आप को दूर किया है। इसका मतलब ये केवल सुप्रिया श्रीनेत का नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, प्रियंका वाड्रा, पूरी कांग्रेस के परिवार का बयान है। और ये कोई एक लौता ऐसा बयान नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यही कॉमेंट्री नक्सलियों के विषय में जो कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिल्ली से उतारा है, अर्थात कन्हैया कुमार, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि यही कन्हैया कुमार क्या कहते हैं नक्सलियों के विषय में और सुरक्षा बलों के विषय में। जरा ध्यान से सुनिए। सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा कि जो नक्सलियों को शहीद कर रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए, मतलब सुरक्षा बलों के खिलाफ जंग छेड़ी जाए। ये वही कन्हैया कुमार है जिसने JNU में किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया था अफजल गुरु के सम्मान में, और उसमें राहुल गांधी पहुंचे थे मैदान में। और कन्हैया कुमार यहां नहीं रुकते, वो तो कहते हैं कि सुरक्षा बल वाले अलग अलग जगहों पर महिलाओं का बलात्कार करते हैं, मतलब कि सुरक्षा बल और सेना सड़क का गुंडा, सुरक्षा बल और सेना बलात्कारी और नक्सली शहीद होते हैं। आतंकियों में, अफजल गुरु में इनको बेचारा नजर आता है, याकूब मेमन में उनको हालात का मारा नजर आता है, और आतंकी इनको प्यारा प्यारा नजर आता है। यही कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का चरित्र बन चुका है। केवल यहाँ पर बात नहीं रुकती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी का यदि ऑफिशियल स्टैंड नहीं है तो जब कांग्रेस पार्टी ने सेना के द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कही थी, राहुल गांधी का यह वक्तव्य था, क्या इस बयान का आज तक खंडन हुआ? नहीं खंडन हुआ। बालाकोट एयर स्ट्राइक जब किया गया तब कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, उन्होंने कहा चील कौवे मरे, इसमें क्या सबूत है? क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब दिग्विजय सिंह जी ने 26/11 में जो हुआ हमला था उसको पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए, पाकिस्तान के आतंकवादियों को, इस्लामिक जिहाद को संरक्षण देते हुए उन्होंने सारा का सारा मामला हिंदुओं पर डालने की चेष्टा की, क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पुलवामा हमला हुआ तो पुलवामा पर चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, राम गोपाल यादव जी हो, ममता बनर्जी हो, अलग अलग समय पर इन्होंने भी सुरक्षा कवच इस्लामिक जिहाद को दिया, पाकिस्तान को दिया, और भारत की एजेंसियों पर ही सवाल उठाने का, कुकर्म करने का काम इन्हीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा हुआ। और यहाँ तक कि ओसामा जी भी कहा गया है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, हाफिज सईद जी भी कहा गया है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। कांग्रेस के महाराष्ट्र में जो मंत्री थे MBA की सरकार में, असलम शेख, उन्होंने बाकायदा यकूब मेमन के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलकर सुनवाई की थी उसके लिए, उसको भी कहने का काम किया कि ये मासूम है। अफजल गुरु जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुकर्रर की थी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस प्रकार के बयानों के साथ खड़े रहने का काम और टुकड़े टुकड़े मानसिकता रखने वाले गिरोह के साथ खड़े रहने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसीलिए ये पूरे इंडी गठबंधन का ही चरित्र है, ये सुप्रिया श्रीनेत का अलग विषय नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने तो बस वही चेहरा उजागर किया है जो पूरे इंडी अलायंस का चेहरा है। क्या ये सच बात नहीं है कि जब सिमी पर प्रतिबंध लगा तो RJD और समाजवादी पार्टी ने अधिकृत रूप से सिमी को भटके हुए युवा कहते हुए उनके पक्ष में बयान दिया? क्या ये सच बात नहीं है कि जब 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब कुछ आतंकियों को, जिन्होंने वाराणसी में अलग अलग जगहों पर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किया था,
उनको छोड़ने का प्रयत्न किया गया, तब हाईकोर्ट ने 2012 में हाईकोर्ट ने कहा कि आज आप आतंकियों को छोड़ रहे हैं, कल क्या आप इन आतंकियों को पद्मश्री अवार्ड देंगे। ये जस्टिस आर के अग्रवाल और जस्टिस आर एस आर मौर्य ने ये ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग दी थी और उनके रोक को, उनके निकलने को रोका था। आज मेरा केवल इतना ही सवाल है, ये आतंकियों का साथ इंडी और कांग्रेस के साथ क्यों है? ये आतंकी के साथ रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस पार्टी का, और खास करके नक्सलियों के साथ? ये अफजल बेचारा, ये हालात का मारा याकूब, ये नक्सल शहीद और सेना के प्रमुख सड़क का गुंडा, सेना की शूरवीरता खून की दलाली, क्या आज स्पष्ट नहीं हो चुका है कि सेना को दो गाली, सुरक्षा बलों को दो गाली ताकि मिले उनके हिसाब से एक प्रमुख वोट बैंक की ताली? तो क्या वोट बैंक की ताली लेने के लिए अब आतंकवादियों को भी शहीद बताया जाएगा? ये सवाल मैं अधिकृत रूप से पूछ रहा हूं और कांग्रेस पार्टी बताए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, इस विषय को समाप्त करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जो जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर की पॉलिसी अपनाते हुए मोदी सरकार के तहत नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर जो कठोर कार्रवाई हुई है, तो इसमें नक्सली हिंसा 70% से गिरी है। सिविलियन डेथ्स इन नक्सली प्रभावित इलाकों में 85% पिछले 10 वर्षों में गिरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स, उनकी हत्याएं जो की जाती है, जो असलियत में वो सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद माने जाते हैं, उनकी डेथ्स जो है 72% से गिरी है। नक्सली प्रभावित जिले जो पहले 96 होते थे, वो गिर कर सिमट कर अब 45 डिस्ट्रिक्ट तक आ चुके हैं। और जो पिछले कुछ महीनों में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार आई है, उस छत्तीसगढ़ की सरकार के तहत और केंद्र की सरकार के तहत जो कार्रवाई हुई है, तो अभी तक 80 नक्सलियों को खत्म किया गया है, एलिमिनेट किया गया है, और लगभग 125 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 150 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार थी तो उनका क्या रुख और रवैया था, आप आंकड़ों से ही देख सकते हैं। और कांग्रेस की सरकार जब थी तब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, रेड कॉरिडोर कितना छाया हुआ था, ये भी आप देख सकते हैं। और आज उसी नक्सलियों की पैरवी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, क्योंकि जब चुनाव हार रहे हैं तो मोदी विरोध में आज आतंकियों के साथ, उग्रवादियों के साथ खड़े रहने में भी उनको कोई संकोच महसूस नहीं हो रहा। दूसरा विषय मित्रों, अभी मैंने आपको बताया कि अब तो राहुल गांधी जी ने शुरू किया था मुंबई में शक्ति के अपमान से, उसके बाद आपने देखा कि युवा शक्ति और नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस के नेताओं ने किया, जिस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी जी पर टिप्पणी की, ये सुप्रिया श्रीनेत ने जो टिप्पणी कंगना रनौत पर की, उसके अलावा आपने देखा कि सेना और सैन्य शक्ति पर जो अभी सुप्रिया श्रीनेत, कन्हैया कुमार जैसे लोग बोलते आ रहे हैं लगातार और उनके शूरता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, परंतु अब शक्ति, युवा शक्ति, नारी शक्ति और सैन्य शक्ति के बाद कांग्रेस पार्टी ने जन शक्ति के खिलाफ भी सुपारी लेने का काम किया है। ये अति महत्वपूर्ण विषय है जिसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कल आपके समाचार चैनलों ने सब जगह बताया है कि कांग्रेस के इंडी अलायंस और उनके साथी जेएमएम के एक बहुत बड़े नेता नजरुल इस्लाम साहब ने देश की जन शक्ति का अपमान करते हुए देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को मारने की, और केवल मारने की नहीं बल्कि उनको 400 फीट जमीन में गाड़ने की सरेआम सार्वजनिक तरीके से, वो भी चुनावी मंच से धमकी दी है। ये कांग्रेस की मानसिकता, जेएमएम की मानसिकता, इंडी अलायंस की मानसिकता को दर्शाता है। और ये जो गाली गलौज, अपमान, धमकी की राजनीति है, ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। क्योंकि 2 दिन पहले कांग्रेस के एक प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की बात करते हैं, आप देख सकते हैं उनका नाम और वो क्या कह रहे थे कि वो आएंगे और मोदी जी मरेंगे, इस प्रकार का बयान दिया। उससे 1 दिन पहले चरणदास महंत, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है छत्तीसगढ़ में, वो कोट अनकोट कहते हैं कि प्रधानमंत्री को लाठी से मारने वाला कोई चाहिए। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री को मारने की, उनको गाली देने की, अपमानित करने की लगभग 125 से ज़्यादा गालियां और धमकियां
कांग्रेस और उसके साथियों ने लगातार देने का काम किया है, और जो जितनी ज़्यादा गाली देता है वो उतना ज़्यादा प्रगति करता है इन पार्टियों में। इसका प्रमाण तो आजकल जो कांग्रेसी नेता कांग्रेस से निकले हैं वो भी दे रहे हैं। परंतु सवाल ये बनता है कि क्या ये मोहब्बत की दुकान या ये नफ़रत के भाईजान हैं और धमकी का सामान है। जो नज़रुल इस्लाम ने कहा या जो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की, मोदी डैश डैश की मौत मरेगा, गंगू तेली नीच बस मसूर, तू चाय बेच तेरा परिवार कौन सा है, जिस प्रकार से मोदी जी को मारने की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके पास मोदी जी के मिशन और विजन के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने करप्शन और अपने फैमिली डायनेस्टी प्रोफेशन को बचाने के लिए अब वो पॉलिटिक्स ऑफ अब्यूज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिस्टर्बेंस पर आ चुके हैं। और किस प्रकार की गालियां और धमकी लगातार दी जा रही है उनकी तरफ से, इस पर तो इलेक्शन कमीशन को स्वतः संज्ञान लेना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन को नज़रुल इस्लाम पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और बताना चाहिए कि किस प्रकार से जो 100 से ज़्यादा गालियां लगातार दी जा रही है, क्या ये आज स्थापित नहीं हो चुका है कि मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते आज कांग्रेस और इंडी अलायंस, देश की सेना का विरोध, देश की नारी शक्ति का विरोध, देश की युवा शक्ति का विरोध, देश की सैन्य शक्ति का विरोध, देश की संविधानिक शक्ति का विरोध, देश की सनातन शक्ति का विरोध, और अब तो देश की जनशक्ति का भी विरोध करने लगे हैं। इसी श्रृंखला में आपने देखा होगा कि कल एक बयान कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री कर्नाटका से बीके शिवकुमार भी देते हैं, और मैं आपको कोट करके बताना चाहता हूं कि वो हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं और हाउसिंग सोसाइटी वालों को सीधी सीधी धमकी देते हैं और कहते हैं, कोट अनकोट कर रहा हूं डीके शिवकुमार का बयान, आई हैव कम हियर फॉर बिजनेस डील। ये वहां के उप मुख्यमंत्री कर्नाटका की जनता से कह रहे हैं, दे आर टेलिंग पीपल ऑफ कर्नाटका, द चीफ मिनिस्टर इज सेइंग आई हैव कम फॉर बिजनेस डील, देर आर 2500 हाउसेस, यू हैव 6000 वोट्स, यू नीड सीए साइट एंड यू नीड कावेरी वाटर, इफ आई गेट दिस डन व्हाट विल यू गिव टू मी। इसका मतलब ये था कि अपने भाई के लिए वोट मांगने के लिए वो कह रहे हैं कि मुझसे सौदा करो, यदि आप मुझे वोट देंगे, मेरे भाई को वोट देंगे, तब मैं आपका ये काम करूंगा। क्या एक उप मुख्यमंत्री, क्या एक सरकार इस प्रकार से सौदेबाजी करेगी? क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है कि जो वहाँ के निवासी है उनकी मूलभूत समस्याओं को पूरा किया जाए? उसको करने के बदले, अपना संविधानिक दायित्व निभाने के बदले, कांग्रेस के नेता और सबसे बड़े नेता उस राज्य में जाकर जनता को धमकाते हैं, जनता को बोलते हैं कि या तो आप मुझे वोट करो और अगर नहीं करोगे तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। और केवल एक बार नहीं, इससे 2-3 दिन पहले डीके शिवकुमार का दूसरा बयान, मेरे भाई के लिए वोट करो वरना वाटर सप्लाई नहीं मिलेगा और एनओसी नहीं मिलेगी। क्या ये सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन द्वारा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट का ये सीधा सीधा वायलेशन है या नहीं है कि आप इस प्रकार से जनता को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जनता को धमकी दे रहे हैं, अपने संविधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि यदि आपने मेरे भाई को नहीं जिताया तो मैं आपका जीना यहाँ पर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कर दूंगा और अपने संविधानिक दायित्व को नहीं निभाऊंगा। इससे 2 दिन पहले कांग्रेस के एक और मंत्री सुधाकर जी कहते हैं कि अगर आपने कांग्रेस के प्रतिनिधि को 70,000 वोटों से नहीं जिताया तो मैं 25 करोड़ का ग्रांट जो है वो तब नहीं कराऊंगा, अगर आपने जिताया तब 25 करोड़ का ग्रांट मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जारी करूंगा। क्या ये इस प्रकार से धमकी दी जाएगी जनता को? मतलब जनता के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मोदी को मारने की धमकी और जनता को डायरेक्टली धमकी कि या तो वोट दो या तो आपके मूलभूत बुनियादी काम नहीं किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को तुरंत प्रभाव से इन बयानों का भी स्वतः संज्ञान लेते हुए, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए डीके शिवकुमार और कांग्रेस के कर्नाटका के तमाम उन मंत्रियों पर न केवल कार्रवाई करनी चाहिए परंतु उनको चेतावनी देनी चाहिए कि क्योंकि आप काम नहीं करते और अंततः जनता को ब्लैकमेल करते हैं कि यदि काम करवाना चाहते हो तो मेरे भाई को वोट दो, इस प्रकार की इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस पर तुरंत उनको कार्रवाई करनी चाहिए। इन तमाम सवालों पर कांग्रेस पार्टी और इंडी के नेता एक करके एक जवाब दे, ये मेरी उनसे अपेक्षा है। धन्यवाद आपका। मुझे लगता है
कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति निर्माण हो रही है कि लोगों को लगने लगा है कि हमारा गुनाह क्या है पश्चिम बंगाल में। क्या एक हिंदू अपनी रामनवमी की शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकता वहाँ पर बिना हिंसा का शिकार हुए? वहाँ पे ना ईडी की टीम सुरक्षित, ना एनआईए की टीम सुरक्षित, ना वहाँ पे सांसद सुरक्षित, संदेश खाली की महिलाएं भी नहीं सुरक्षित। रामनवमी के पर्व पर जो राम राम जय श्री राम करते हुए हमारे भोले भाले मासूम जो हिंदू पर्व को मनाने वाले हिंदू भी नहीं सुरक्षित, तो सुरक्षित कौन है पश्चिम बंगाल में? केवल संदेश खाली के अपराधी शाहजहां शेख और भ्रष्टाचार करने वाला टीएमसी का सिंडिकेट? क्या पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो चुकी है? और प्रतिवर्ष राजनीतिक हिंसा रामनवमी का अवसर हो, चुनाव का अवसर हो, किस प्रकार से की जाती है, या पोस्टपोल वायलेंस हो, और उसमें कौन शिकार होता है, ये हमने देखा है। और जब मुख्यमंत्री जी ही ऐसे बयान देंगी, पिछले वर्ष उन्होंने सारे दंगाइयों को क्लीन चिट देने वाला बयान दिया था रामनवमी के अवसर पर, अभी भी जो रामनवमी पर उन्होंने ट्वीट किया है, तो ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि उनके ट्वीट के द्वारा कि रामनवमी में जो रामनवमी को सेलिब्रेट करते हैं तो वो तो दंगाई होते हैं, और इसलिए उनको एक वार्निंग देनी पड़ती है कि आप जो है शांति बनाए रखिए, और जो दूसरे मजहब के त्यौहार होते हैं उनके लिए तो कहा जाता है कि ये अमन के दूत हैं और जो भी ये कर रहे हैं ये तो शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार का व्यवहार और मानसिकता होगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो पश्चिम बंगाल में देखने मिल रही है। इससे पहले भी आपने देखा है दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक और एक दूसरे धर्म के प्रोसेशन को जाने देना, तो इस भेदभाव के भाव के साथ यदि बंगाल की सरकार काम कर रही है तो ये अति दुर्भाग्यपूर्ण। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मोदी जी विकास की गारंटी की बात करते हैं और कुछ नेता उनके पास केवल दंगा की गारंटी होती है। धन्यवाद।